नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो वीडियो है वो आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर बनाया है। इस कलयुग में कैसे राहु और केतु काम करते हैं। देखिए, केतु के पास केवल दिल है, इमोशंस है और राहु के पास दिमाग है। जब आप किसी से बहुत अधिक दुखी हो जाते हो, कोई आपको धोखा देता है, तब आपके जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं और आपका जो दिमाग है वो भाई कार्य करना शुरू कर देता है। जब आपके पहले भाव में लगन में केतु विराजमान हो, तो लगन क्या है? कुंडली की आत्मा है, यानी ऑल इन ऑल है। आपकी जो हैसियत है, समाज में मान इज्जत है, आपके अपने रिश्तेदार या सबसे प्रिय मित्र इस तरह का काम करेंगे कि आपकी हैसियत समाज में बहुत कम हो जाएगी। एक तरह की बदनामी वाली सिचुएशन आपके जीवन में आएगी। इसके अलावा विनम्रता का गुण गुस्से में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि लोगों का जो व्यवहार है वो आपके सोचने के ढंग को बहुत प्रभावित करेगा। इसका असर आपके शरीर के सभी अंगों पर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा और फिजिकल हेल्थ पर पड़ेगा। और दूसरों से जो हम रिलेशन रखते हैं उसको भी हेल्थ का ही पार्ट मानते हैं, उस पर भी पड़ेगा कि आपका व्यवहार दूसरों के साथ बदल जाएगा, जीवन को जीने का ढंग बदल जाएगा। तो उस समय जो इसके सप्तम भाव में राहु है उसको केतु एक्टिवेट करेगा, सक्रिय करेगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। कहेगा कि भाई अब तू काम कर अपना। तो राहु जातक को जीना सिखाएगा। कैसे जीना सिखाएगा? कि इमोशंस 0 और कूटनीति 100%। पूरी तरह से जातक कूटनीतिक हो जाएगा और हर व्यवहार में चलाकी, शातिरता, छल, कपट ये शामिल हो जाएगा। और धीरे धीरे जातक के पास इतनी शक्तियां आ जाएंगी कि जिन्होंने जातक के साथ गलत कार्य किए थे, बदनामी की थी, वो फिर जातक के पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जातक उनको अपने जीवन में फिर आने देता है तो भाई वो उससे भी बड़ी समस्या पैदा करेंगे। इसके अलावा विनम्रता का जो गुण है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, परोपकार का गुण है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। जातक प्रैक्टिकल होकर जीवन व्यतीत करेगा और जातक को समझ आ जाएगा, क्योंकि पहला भाव सेल्फ का है कि ये तो मृत्यु लोग है और हम कुछ दिन के लिए जहाँ के मेहमान है। दूसरे भाव में जब केतु हो तो भाई जो आपके परिवार, खानदान, कुटुंब के लोग हैं, आपकी तरक्की देखकर इस तरह से कह लो कोई ना कोई इस तरह का कार्य करेंगे
कि आपकी तरक्की में रुकावट हो। ऊपर से तो बहुत मीठे लेकिन चाले इस तरह की चलेंगे। और कई केस ऐसे मैंने देखे हैं, दूसरे भाव में केतु होता है तो लोग आकर कहते हैं कि जी हम पर कुछ करवा दिया, किसी के घर में चावल मिलते हैं, किसी के घर में फूल मिलते हैं, किसी के घर में लौंग मिलते हैं, नींबू मिलते हैं। तो भाई ये जो किया करवाने वाली बात है, जो गलत कार्य करवाएगा किसी के साथ उसको उससे 10 गुना अधिक नुकसान होगा। ये मेरी बात नोट कर ले। लेकिन जिस पर करवाया है कुछ समय के लिए मानसिक चिंता उसको भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरे भाव में केतु वो अपने ही इस तरह का काम करवा सकते हैं आपके साथ, लेकिन इसकी अधिक परवाह ना करें, अधिक बहम ना करें, अधिक डरे ना। अगर डर गए तो आपको आपके डर के कारण अधिक नुकसान होगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके अपने ही आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी लग पुलिंग करते हैं, तो भाई जब राहु अष्टम भाव में होगा तो केतु दूसरे भाव में होगा, राहु तब सक्रिय होता है। और जब राहु सक्रिय होता है तो गुप्त ढंग से जातक परिवार के लोगों का, कुटुंब के लोगों का, आसपास के जो लोग हैं उनका मुकाबला करता है और कूटनीतिक ढंग से उनका नाश करता है। इसके अलावा जातक की जो वाणी है, दूसरों के साथ कब किस तरह की वाणी का उपयोग करना जातक को समझ आ जाता है। और वाणी के सहारे ही जातक अपने जीवन में अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु, वो लोग जिन्होंने जातक को अपना असली चेहरा दिखा दिया, जातक उनके ऊपर काबू डाल लेता है। और शातिरपन, छल, कपट जिन्होंने जातक के साथ बुरा किया था, उनके साथ छल कपट करके जातक जीवन में सफलता हासिल करता है। जब तीसरे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो मेहनती बहुत होता है जातक, जिसके कारण जीवन में तरक्की बहुत करता है। जो भी उसका टारगेट है, गोल है, उसको प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अलावा जो तीसरा भाव है वो भाइयों का भाव है। तो जो भाई है वो भाई ऊपर से तो कैसा भी बिहेव करे आपके साथ, लेकिन बीच में कोई ना कोई इस तरह की चाल, इस तरह का कारनामा करेंगे कि जो आपकी तरक्की है, या अगर बिजनेस करते हैं उसमें आपको नुकसान होगा। तो एक तो भाइयों का असली चेहरा जब आपको नजर आ जाए, दूसरा आप जो भी सहायता मांगने आ जाए उसकी सहायता करते हैं, दिल से करते हैं। और जिनकी दिल से सहायता की उन्होंने ही आपका बुरा किया जब उनका असली चेहरा सामने आ गया। इसके अलावा मित्र के रूप में जिन्होंने शत्रु जैसा व्यवहार किया उनका असली चेहरा सामने आ गया। तकरीबन 42-43 वर्ष के बाद इस तरह की घटनाएं 3-4 साल घटेंगी। तो इन लोगों का जब असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा तो नवम भाव में जो राहु है वो एक्टिवेट होगा, सक्रिय होगा और अचानक इस तरह की अंधेरी लेकर आएगा आपके जीवन में
कि जो आपका बुरा चाहते थे उनको ये अंधेरी उड़ा कर ले जाएगी और जीवन में आप सफलता हासिल करोगे। आप में सभी इस तरह के गुण आ जाएंगे जिसके कारण आप अपने प्रतिद्वंद्वियों का नाश करने में सक्षम हो जाएंगे और भाग्य के कारण भी जो आपके साथ दुश्मनी वाला व्यवहार कर रहे थे उनकी परिस्थितियां एकदम खराब हो जाएंगी और आपसे दुश्मनी करना तो दूर की बात, उनको भाई अपने परिवार का पालन पोषण करने तक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि तीसरे भाव में केतु राजयोग जैसा फल देता है, राजयोग का काम करता है। जब चौथे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो जातक का जो मन है उसको जातक को एक तरह से कह लो कि चैन नहीं लेने देता, दिन की चैन और रात की नींद ये जातक की खराब रखता है। केतु जब चौथे भाव में विराजमान हो सभी सुख हो सकते हैं, अगर शुभ प्रभाव में हो तो होंगे भी, गाड़ी बंगला नौकर चाकर परिवार सभी सुख होंगे, लेकिन परिवार के जो लोग हैं जब तक आपका एटीएम चलता रहेगा उनको पैसे देते रहोगे तब तक तो आपकी इज्जत मान सम्मान पूर्ण रूप से करेंगे। जब पैसे देने बंद कर दिए या आपकी आमदनी कम हो गई तो भाई उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा और इसी कारण आपको हृदय की बीमारियां, हृदय की धड़कन का बढ़ना, नींद कम आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। जब इस तरह की स्थिति पैदा हो तो राहु दशम भाव में होगा, जातक अपने छल कपट शातिर दिमाग का उपयोग करेगा इनको काबू करने के लिए और इनसे अपना काम निकलवाने के लिए, क्योंकि पैसे की तो कमी हो गई, अब पैसे के कारण जो लोग आपके साथ जुड़े थे तकरीबन सभी जुड़े थे पैसे के कारण, वो आपसे दूर होने लगे, आपका अब करते नहीं आपके परिवार वाले, तो राहु उनको सबक सिखाएगा और इस तरह की माया राहु खेलेगा कि उनको लगेगा कि आपके पास छुपा हुआ धन, गुप्त धन बहुत अधिक है और फिर वो आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे, मगर मौत से पहले किसी के नाम पर जमीन जायदाद बिल्कुल ना करे। केतु चौथे भाव में हो, वसीयत कर सकते हैं वो भी रजिस्टर्ड करें और तहसील में जाकर या कोर्ट में करें वकील की सहायता से, तो भाई वो वसीयत आपके जो वारिश हैं जिनके लिए आप अच्छा चाहते हैं उनके लिए काम करेगी, नहीं तो जो आपके वारिस हैं उनमें भी बहुत शातिरता है, तो एक दूसरे को आपकी जो प्रॉपर्टी है पैसा है उसका सुख लेने नहीं देंगे। पंचम भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो भाई जातक का जो तर्क वितर्क करने का ढंग होता है, बहसबाजी, और बहसबाजी करने के बाद फिर सोचता है कि अब ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, तो इस सोच के कारण एक तो मानसिक चिंता बनी रहती है,
दूसरा ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। दुनिया के सामने अच्छा बनना, क्योंकि राजा की राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और दुनिया के सामने अपने आप को बहुत विनम्र शो करना, ये आपके लिए सबसे बड़ी घातक बातें हैं जो आपका बहुत नुकसान करेंगी। आपका जो हक है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी के साथ कोई संबंध है, रिलेशन है, खून का रिश्तेदार नहीं है, विपरीत लिंक है या आप ही के लिंक है, तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या उसके सामने अच्छा बनने के लिए, सुपर बनने के लिए आप पैसे लुटा सकते हो, जिसके कारण आपके संचित धन में तो कमी आएगी आएगी, लेकिन मानसिक चिंता बहुत बढ़ जाएगी। पंचम भाव में केतु हो तो राहु ग्यारहवें भाव में विराजमान होगा, जिसका सीधा सा फंडा है जब राहु ग्यारहवें भाव में विराजमान हो जाए, आपको असली चेहरा नजर आ जाएगा आपकी संतान का और आपके जिनके साथ रिलेशन थे, कि भाई ये जो दुनिया है मतलब की है, और सबसे बड़ा रुपया है ना बाप है ना भैया है। तो राहु जहां अपना काम शुरू करेगा और एकदम आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेगा, जिसके कारण एक धुआं सा जो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, जिन्होंने आपको असली रंग दिखाए अपने, उनको एक धुआं उनके सामने पैदा कर देगा और उनको लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है, फिर वो आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे। मगर भाई उनको फिर नजदीक मत आने देना, अगर वो फिर नजदीक आ गए तो ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि फिर आप बुद्धू होंगे, आपको अकल की कमी होगी, कि एक बार किसी से इतना धोखा खाने के बाद फिर उसको अपने जीवन में आपने आने दे दिया। छठे भाव में जब केतु होता है, एक तो पेट की बीमारियों का खास ख्याल रखना है, लीवर की बीमारियों का, तो बाहर का खाना कम खाना है, बासा खाना कम खाना है, हल्का भोजन कीजिए। और जब 30 वर्ष की उम्र हो जाए उसके बाद से ही खाने पीने का परहेज करना शुरू कर दें। ऐसा कहा गया कि छठे भाव में केतु हो तो ये शत्रु हंता होता है, शत्रुओं का नाश करता है। तो भाई शत्रु होंगे तो शत्रुओं का नाश होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये बुध की राशि है, उच्च की या मूल त्रिकोण की विजयी है, बाल ग्रह की राशि है, और केतु के पास दिमाग तो है नहीं, तो बच्चों जैसा दिमाग, तो दुश्मन को सही तरह से समझ ही नहीं पाएगा। ये ठीक है कि छठे भाव में केतु हो, दुश्मन जातक का अधिक नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन दुश्मनों के कारण मानसिक चिंता बहुत रहेगी, और समय आने पर जब 42, 43, 44, 45 ये वर्ष चल रहे होंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु है, यानी असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा जब आपको लोगों का असली चेहरा दिखाई देगा, एकदम आत्मविश्वास की कमी आएगी, अपने आप को अकेला महसूस करोगे आप, उस समय
जब इस तरह की परिस्थिति आ जाए कि आपको लगे कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया या अब मैं अकेला रह गया हूँ, तो बारहवें भाव में जो राहु होगा वो अपना चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि बारहवां भाव चमत्कारी भाव है अष्टम भाव की तरह। गुप्त शक्तियां, बुजुर्गों की आत्माएं, पितरों की आत्माएं, जो आपके अंग संग है, एकदम एक्टिव होकर आपका साथ देंगी और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बदनामी, आपके खिलाफ जो बड़े से बड़े षड्यंत्र किए गए थे उनमें से आपको निकाल लेगी और समाज में आपका मान सम्मान इज्जत कायम रहेगा। तो भाई अब आते हैं सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में जब केतु विराजमान हो, सप्तम भाव में जब केतु विराजमान होता है, तो जितने केस मैंने देखे हैं लगभग सभी केसेस में जातक इंटेलिजेंट तो बहुत होता है, बुद्धिमान होता है, लोकप्रिय होता है और समाज में उसकी छाप बहुत अच्छी होती है, लेकिन भाई सीधा सादा होता है और जंगल में वही वृक्ष पहले काटे जाते हैं जो अधिक सीधे होते हैं। तो जातक के अपने ही जातक के लिए मानसिक चिंता पैदा करेंगे, जातक का जो गृहस्थ जीवन है उसको खराब करने की कोशिश करेंगे और जातक के अपने खास जो मित्र होंगे, संबंधी होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके कारण कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ेगा। तो जब सप्तम भाव में केतु हो, राहु होगा भाई लगन में, तो राहु जब लगन में होगा तो सोचने का ढंग ही बदल देगा। इस तरह की सोच, जहां लोगों की सोच खत्म होती है, जातक की सोच शुरू होगी। एक बार जातक में शातिरपुण आ गया, एक बार छल कपट करने का निर्णय ले लिया, तो फिर जिन्होंने जातक को धोखा दिया उनका नाश होना तय है और जातक भयभीत तो रहेगा, मन में डर भी रहेगा, लेकिन जिन्होंने जातक के साथ धोखा किया, उसको गिराने की कोशिश की, उनका प्रकृति अपने आप ही नाश कर देगी, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उनका जो समय है वो खराब हो जाएगा और किसी ना किसी मुसीबत में अपने आप ही फंसते भाई चले जाएंगे। जब अष्टम भाव में केतु विराजमान होता है तो मंगल की राशि है, कुछ विद्वान नीच का मानते हैं, जीवन में गुप्त धन, गुप्त संबंध और गुप्त कार्य, इस तरह से कामों में जातक को लाभ तो मिलता है, लेकिन 42 इयर्स के बाद से एक इस तरह की स्टेज आ जाती है कि जिनके साथ गुप्त संबंध है, जिनसे गुप्त धन की प्राप्ति होनी है, या जो भी जातक गुप्त कार्य कर रहा है, वो जातक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं और जातक को लगता है कि अब तो काम तमाम होने वाला है, बहुत बड़ी बदनामी या
इस तरह का काम कि अब जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। तो जब अष्टम भाव में केतु विराजमान हो, दूसरे भाव का राहु अपना रंग दिखाएगा और जातक की वाणी में बोलता तो जातक अधिक होगा आवश्यकता से, लेकिन वाणी में और बुद्धि में एकदम चेंज आ जाएगा जब इस तरह की स्थिति जातक के जीवन में आएगी कि लोगों का असली चेहरा दिखाई देगा। तो अपनी वाणी के कारण और संचित धन के कारण जातक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकल जाएगा और समाज में उसकी इज्जत मान सम्मान कायम रहेगा और जातक को कुछ समय के बाद अपना बुरा समय याद भी नहीं रहेगा। और फिर जातक 48 ईयर्स के बाद 48 वर्ष के बाद बहुत तरक्की हासिल करता चला जाएगा, सभी सुख जातक को मिलेंगे। जब भाई नवम भाव में केतु विराजमान हो जाए, नवम भाव में केतु विराजमान हो जाए, भाग्य में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे और जन्मभूमि से जितनी दूर कार्य करोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वहां भी उतार चढ़ाव आएंगे। और जब नवम भाव में केतु विराजमान हो तो जो आपका परोपकार करने की आदत है, दूसरों का भला करने की आदत है और धार्मिक लोगों की आवश्यकता से अधिक रिस्पेक्ट करना, ये भी आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। वो लोग जो अपने आप को बहुत धार्मिक कहते हैं या धार्मिक स्थान पर कार्य करते हैं, वो लोग आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे, आपके भाग्य को स्लो कर देंगे। तो जब इस तरह का सिचुएशन लाइफ में आए, तकरीबन 42-43 से लेकर 46 वर्ष तक, तो आपको सभी का चेहरा नजर आ जाएगा जिनके कारण आप तरक्की नहीं कर पाए, आपके भाग्य ने पूरा साथ नहीं दिया। तो नवम भाव में जब केतु होगा, राहु होगा भाई तीसरे भाव में, तो राहु एकदम एक्शन में आएगा और आपको एक सबसे पहले आपका साहस बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, विपरीत परिस्थिति में काम करना सिखाएगा, उसके बाद आपको मेहनती बनाएगा, उसके बाद जितनी मेहनत आप करोगे उसका फल देगा और अचानक ही जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं अधिक फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो मित्र गुप्त रूप से शत्रुता कर रहे थे वो तो भाई इस तरह से आपके जीवन में से शुमंत्र हो जाएंगे। जैसे जब सूर्य उगता है अंधेरा शुमंत्र हो जाता है, तो वो कहीं नजर नहीं आएंगे। जब दशम भाव में केतु विराजमान हो तो जहां एक बहुत बड़ी समस्या देखी गई है, ठीक है जातक के पास शक्तियां बहुत होती हैं, नवमेश लग्नेश अच्छा हो तो सरकारी क्षेत्र में भी बहुत शक्तियां होती हैं, राजनीति में भी जातक तरक्की करते देखे गए हैं, लेकिन जातक को पब्लिक के साथ निपटना नहीं आता, लोगों के साथ कैसे बात करनी है ये अच्छी तरह से नहीं आती, जिसके कारण मन में कुछ नहीं होगा लेकिन आप अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे,
समझा नहीं पाओगे दूसरे को और दूसरे आपको गलत समझेंगे। खासतौर पर जो राजनीति में है या जिनका जनता के साथ सीधा संबंध है, उनके लिए ये थोड़ा मानसिक चिंता का कारण बनता है। और इसी कारण जो आपकी शक्तियां हैं उसमें लोगों की जो ऑपोजिशन है वो उसका प्रभाव आपकी शक्तियों पर पड़ेगा। और पिता से जो आपके संबंध हैं, पिता से विचारों में मतभेद पैदा कर देंगे। तो जब दशम भाव में केतु हो और कार्य क्षेत्र के लोग आपके खिलाफ हो जाए, उनका असली चेहरा सामने आ जाए। कई बार तो ऐसे देखा है कि दशम भाव में केतु हो, कार्य क्षेत्र के लोग ओपनली आपके विरोध में आ जाते हैं। उस समय चौथे भाव का राहु डाल तो देगा, सहम तो देगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी तरक्की नहीं होने दे रहे, उनका नाश कर देगा। ये पक्की बात है। राहु चौथे भाव में हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, अधिक सोच विचार के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जब केतु दशम भाव में विराजमान हो जाए और कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आए तो जीवन को सीरियस लेना छोड़ दें और ये सोचे कि ये तो मृत्यु लोग हैं, चार दिन के लिए आए हैं और फिर जहां से चले जाएंगे। ग्यारहवें भाव में जब केतु विराजमान होता है तो भाई ऐसा कहा गया कि ग्यारहवां भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन जब केतु विराजमान हो जाता है ग्यारहवें भाव में तो जातक को अपने मित्रों पर पहले तो बहुत गर्व होता है, अपने मित्रों का बहुत करता है, अपनी आमदनी की परवाह नहीं करेगा, मित्रों का साथ देगा, सोशल सर्कल बनाने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा जातक की इच्छाएं मित्रों के द्वारा पूरी होती रहेंगी क्योंकि वो मित्र अभी जातक का अपना बन रहे हैं, जो आपके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करे आपका मित्र, और आपने उसका कोई कार्य ना किया हो, इतने अच्छे संबंध ना हो, फिर भी आपको बड़े बड़े तोहफे दे या बड़ी बड़ी बातें करे आपके साथ, तो समझ लेना कि ये वो बंदा है जो मुझे धोखा देगा। तो ग्यारहवें भाव में केतु होगा, राहु होगा पंचम भाव में। जब राहु पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो फिर इस तरह का कार्य होता है कि जब कोई धोखा अधिक मिलता है, मित्रों का असली चेहरा, रिश्तेदारों का असली चेहरा, जा उन लोगों का चेहरा जो आपकी आमदनी कम करते हैं, जिसके कारण आप जीवन से संतुष्ट नहीं होते, उनका चेहरा सामने आता है, तो पंचम भाव का राहु जातक को आप कहिए कि फाइटर बना देता कि जिसने आना है आ जाओ। इस गुण के सहारे जातक किसी की परवाह नहीं करेगा। और जब जातक एक्शन मोड में आएगा, उसका राहु एक्शन मोड में आएगा, तो सभी जिन्होंने जातक का नुकसान किया था, जातक को अपना असली रंग दिखाया था, सभी भाई
कहीं ना कहीं भाग जाएंगे, सभी शांत हो जाएंगे या जातक के नजदीक आने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी को फिर नजदीक मत आने देना। और धीरे धीरे जो आपके मित्र हैं पुराने वाले, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनको अपने जीवन से निकालकर सोशल सर्कल नया बनाना। अपने जीवन में 46-47 वर्ष की उम्र के बाद जब भाई केतु 12वें भाव में होता है, तो 12वें भाव का जो केतु है तकरीबन शुभ फल देता ही देखा गया है। क्योंकि ये मोक्ष का कारक है और मोक्ष का ही गारा 12वां। तो जो आपकी पूर्वजों की आत्माएं हैं, गुप्त शक्तियां, वो अचानक आपका साथ देगी। और कितनी बड़ी समस्या हो, कितना बड़ा षड्यंत्र हो, कितना बड़ा जुर्माना लग जाए आप पर सरकार की तरफ से, जहां तक कि जेल जाने के चांस बनते हो, तब भी आपको जो आपके पितरों की आत्माएं हैं, गुप्त शक्तियां, वो बचाने की कोशिश करेंगी और काफी हद तक आपको बचा भी लेंगी। कई बार खर्च बहुत अधिक हो जाता है और बिना कारण दूसरों ने के भोला चेहरा देखकर जातक को तरस आ जाता है, क्योंकि केतु का केवल दिल है तो जातक सभी का अच्छा करता चला जाता है। लेकिन जब वो जातक को अपना असली चेहरा दिखाते हैं, तब भाई जो राहु छठे भाव में होगा वो अपना काम करेगा, वो एक्टिव होगा। छठे भाव का राहु जब एक्टिव होगा तो दुश्मन का नाश बहुत ही तेजी से करेगा, जैसे वैक्यूम क्लीनर सफाई करता है ना, इस तरह से राहु दुश्मनों का नाश करेगा। और जातक का जो ध्यान है अच्छे कामों की तरफ, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ, बीमारों की सेवा की तरफ जाएगा, और जातक की गति भी अच्छी होगी, उसको अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर, कि जब लोगों का असली चेहरा सामने आता है तो केतु क्या कहता है राहु को, कि अब मेरे बस की बात नहीं है, आप सक्रिय हो जाएं और अपनी कमांड संभालो। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ।